हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और आज सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल सीरीज क्वेश्चन में आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि हमें एंगल्स के बेसिस पे चेक करना है कि जो गिवन ट्रायंगल है वो वैलिड है या नहीं है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में हमारे जितने भी एंगल्स हम लोग एंटर करते हैं, मीन्स तीन एंगल्स जो हम लोग एंटर करते हैं, उन तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो ट्रायंगल वैलिड है, अदरवाइज वो ट्रायंगल वैलिड नहीं है। मीन्स अगर तीनों का सम 180 डिग्री से कम आता है या तीनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो उन दोनों ही कंडीशन में वो ट्रायंगल वैलिड नहीं है। फाइन, तो अब क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक इंटीजर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर द वैल्यू ऑफ 3 एंगल, उसे स्कैनएफ किया। अब हमें तीन वैल्यू को स्कैनएफ करवाना है तो हमने यहाँ पे तीन बार मॉड्यूलस डी का यूज किया एंड देन उन वैल्यूज को अपने वेरिएबल्स में स्टोर किया। फाइन, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन तीनों एंगल्स का सम निकालना है। आप चाहे तो एक सेपरेट वेरिएबल में इन तीनों एंगल का सम निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट इफ में भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने इफ में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लिया जिसमें मैंने A1, A2 और A3 जो कि हमारे एंगल्स हैं उनका सम ले लिया। अगर ये सम इक्वल है 180 के तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, ट्राइंगल इज वैलिड। अगर इसका सम 180 नहीं है तो या तो वो 180 से कम होगा या 180 से ज्यादा होगा। तो हमने प्रिंट एफ करवाया, ट्राइंगल इज नॉट वैलिड। ठीक है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहां पे हमें तीन एंगल का वो देना है। सपोज मैंने दिया 60, देन 50 एंड देन 70 जो कि एक वैलिड ट्राइंगल है, तो मुझे आउटपुट मिल गया ट्राइंगल इज वैलिड। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सपोज मैंने यहाँ पे डाला 120, 68 एंड 100 जो कि मेरा इनवैलिड है, तो मुझे आउटपुट मिल गया ट्राइंगल इज नॉट वैलिड। सो इस तरीके से हम लोग अपने ट्राइंगल को एंगल्स के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि वो एक वैलिड ट्राइंगल है या फिर नहीं है। अगर आप सी लैंग्वेज का कोई और एग्जाम्पल भी चाहते हैं जिसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएं तो आप अपने उन एग्जाम्पल्स को भी इन वीडियोस में कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।